आज की सब्जी में ना तो लहसुन प्याज पड़ेगा, ना ही मसाले पड़ेंगे और ना ही बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं। सिर्फ एक तरोई, एक टमाटर और दो हरी मिर्च हैं। तो चलिए फटाफट बनाने चलते हैं बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। देखिए मैंने अपनी सब्जी को कट कर लिया है। अब एक मैं कढ़ाई रख रही हूँ, उसमें 1/2 टीस्पून ऑयल डालेंगे और आप घी भी डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम है। थोड़ा सा हींग पाउडर, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा ही हमने इसमें सौंफ डाला है। और जैसे ये कड़क जाएंगे तो हम इसमें अपनी हरी मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ही हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून के तकरीबन। और ये देखिए हम अपनी सब्जी पलट देंगे। हमें इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है। 5 मिनट के अंदर ये बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमने इसको अच्छे से अपनी मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डालें, बहुत थोड़ा ही डालिएगा क्योंकि इस टाइप की जो सब्जियाँ होती हैं ना, दिखने में तो बहुत ज़्यादा लगती हैं, जैसे ही इसको हम पकाएंगे तो बहुत कम हो जाती है, इसलिए हमें नमक बहुत ही कम डालना होता है। और ये देखिए ये पिचक गई ना हमारी सारी सब्जी, थोड़ी देर के लिए हमने 5 मिनट के लिए ढका था। और ये देखिए 5 मिनट के बाद ये हमारी सब्जी अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसमें अपने टमाटर ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें मिर्ची पाउडर और चुटकी भर ही हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। और ये देखिए हमने थोड़ा सा इसमें नींबू भी निचोड़ा है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ढाँक कर हम इसको फिर से 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट, एक्चुअली इतनी सॉफ्ट होती है ना तोरई, तो बहुत जल्दी बन जाती है। बस आप नमक का सीरियसली बहुत ध्यान दें कि इसमें बहुत कम डलेगा, क्योंकि ये हो या भिंडी हो, इस तरह की सब्जियों में नमक आप बहुत कम डालें, भले ही बाद में डाल लें। ये लीजिए हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई। तो चलिए परोसने चलते हैं और इसमें अब थोड़ी सी हम गार्निशिंग करेंगे हरे धनिए की। और ये देखिए मेरी रेसिपी, मेरा तरीका अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।